दरभंगा में आपसी विवाद में स्कूल परिसर बना रन क्षेत्र, दो शिक्षकों ने एक दूसरे पर किया हमला। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय खराजी टोला में दो शिक्षकों के बीच विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। शिक्षक रंजीत कुमार व विक्रम कुमार ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस दौरान शिक्षक विक्रम कुमार के सर से खून बहने के साथ जख्म के निशान हो गए, वहीं शिक्षक रंजीत कुमार भी गंभीर रूप से चोटिल हो गए। प्रधानाचार्य मनोज कुमार निधि की सूचना पर सिंहवाड़ा थाना के गश्ती दल ने स्कूल पहुंचकर जख्मी दोनों शिक्षक को हिरासत में ले लिया। घटना के संबंध में शिक्षक रंजीत कुमार ने बताया कि शिक्षक विक्रम कुमार स्थानीय होने पर एचएम व अन्य सहयोगी शिक्षकों पर ध्वंस जमाते रहते हैं, हर कुछ दिन पर अनावश्यक बातों को लेकर शिक्षकों को मारने की धमकी देते हैं। विक्रम कुमार के व्यवहार से सभी शिक्षकों में असंतोष व्याप्त व परेशान है। इधर शिक्षक विक्रम कुमार ने बताया कि सोमवार को एचएम रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसमें स्कूल में उपस्थित 279 छात्र की जगह एचएम ने 389 छात्र की उपस्थिति पंजीकृत दर्शाया है। इस फर्जीवाड़ा जब विरोध जताकर पूछा कि रिपोर्ट पर 289 छात्रों की जगह ओवरराइटिंग हो गई है, तो इसी बात को लेकर एचएम से बहस चल रही थी कि सहयोगी शिक्षक रंजीत कुमार ने उन पर हमला कर दिया। विक्रम ने बताया कि स्कूल की कमियों पर सवाल करने पर उनको निशाना बनाया जाता है। शौचालय का निर्माण जैसे तैसे कर दिया गया है, प्लास्टर भी नहीं किया गया है। जितने छात्रों की उपस्थिति होती है उससे दोगुनी छात्र की उपस्थिति बनती है और एसडीएम रिपोर्ट में दर्शाया जाता है, जिसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की घटना हुई है। घटना के डर के मारे सभी छात्र स्कूल से बाहर निकल गए। इसी बीच सभी उपस्थित शिक्षक और रसोईया स्कूल में तालाबंदी कर चले गए। प्रधानाचार्य मनोज कुमार निधि ने बताया कि शिक्षक विक्रम कुमार के व्यवहार से व राजनीति के सभी शिक्षक परेशान रहते हैं, किसी न किसी बात को लेकर विद्यालय में बराबर विवाद करते रहते हैं। गाली गलौज व धमकी तो आम बात है, इस संबंध में थाना को लिखित शिकायत किया है। कुल 21 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और सारा कार्यक्रम सही रूप से चल रहा था, लेकिन हमारे जो कुछ शिक्षक हैं वो हमारे आदेश की अवहेलना करते हैं और कहने पर भी क्लास में नहीं जाते हैं, हमेशा कार्यालय में बैठे रहते हैं। अनावश्यक टोका टोकी, विद्यालय अभिलेख के साथ छेड़छाड़ और गाली गलौज तक करते हैं हमारे साथ, और हमारे ही साथ नहीं, हमारे सभी शिक्षकों के साथ महिलाएं भी सब त्रस्त हैं वहाँ। आज कल हम एक शिक्षक को कहे जाने के लिए क्लास में, वो नहीं गए। क्या है नाम, आज का क्या मामला है? आज ये विक्रम कुमार और रंजीत जी सभी शिक्षकों को गाली दे रहे थे, विक्रम जी, और धमकी दे रहे थे, मारने पीटने पर उतारू हो गए थे और इसी क्रम में मारपीट शुरू कर। सर, जानकारी ऐसा मिल रहा है। न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। नफीसा हज एंड उमराह ट्रेवल्स, हज उमराह ज्यारत 16 अक्टूबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 10 नवंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 20 दिसंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 15 जनवरी 2024, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, उमरा वीजा, होटल, इंश्योरेंस, फूड, राउंड ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन बाय बस, जियारत, जमजम लॉन्ड्री। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, पासपोर्ट, तो पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड। इस बार हज उमरा का प्रोग्राम ये है, 2 सितंबर को पहला ग्रुप जा रहा लगा 15 दिन के लिए, 16 सितंबर को वापसी होगी। 95,000 के पैकेज है और सारी सहूलत है इसमें, खाने से लेके लॉन्ड्री, इंश्योरेंस, ज्यारत, मक्के की, मदीने की, सब इंक्लूड है इसके अंदर। कहाँ कहाँ से लोग इसमें आते हैं जिनको? पूरे बिहार से हमारे पास है, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सब जगह के लोग आते हैं दरभंगा के लिए। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं ये? 15 साल हमारा हुआ, ऐसे तो हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल से ग्रुप लेके जाते हैं, साल में 5-6 ग्रुप जाता है हमारा, और साथ में हम खुद जाते हैं, सारा मेंटेनेंस रेजिमेंट हम खुद करते हैं, इसमें किसी को इन्वॉल्व।